हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में आई मूवी पहेली की, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव से, जहां पर लच्छी और किशन की शादी हो रही है। शादी के बाद लच्छी अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है। वो लोग अपना सफर कर ही रहे थे, तभी वो लोग आराम करने के लिए एक धर्मशाला के पास रुकते हैं, जहां लच्छी एक किले के पास जाने लगती है। वहां एक पेड़ पर कौवा बैठा था, जो बस लच्छी को ही देखे जा रहा था। लच्छी जब किले के पास जाती है तो कौवा अपना रूप बदलकर एक पक्षी में ट्रांसफर हो जाता है और लच्छी के आसपास मंडराने लगता है, जिसे देखकर लच्छी डर जाती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज आती है और लच्छी जब यहाँ वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर गीले पैरों के निशान थे। ये देखकर लच्छी डर जाती है और वापस सबके पास चली जाती है। सब लोग किशन के घर जाते हैं, जहाँ पर लच्छी का अच्छे से स्वागत होता है। और आज लच्छी और किशन की सुहागरात थी। लच्छी जब किशन के पास जाती है तो किशन हिसाब करने में बिजी था। लच्छी उससे कहती है कि वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन किशन कहता है कि उसे अपना हिसाब पूरा करना है, क्योंकि उसे कल सुबह अपने बिजनेस ट्रिप पर निकलना है। ये सुनकर लच्छी नाराज हो जाती है। लच्छी किशन से पूछती है कि वो वापस कब आएगा, जिस पर किशन कहता है कि वो 5 साल बाद आएगा। अब ये सुनकर लच्छी रोने लगती है। किशन लच्छी को समझाता है कि 5 साल यूं ही निकल जाएंगे। वैसे भी उसके पापा ने कहा है कि व्यापार का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है, इसलिए वो लच्छी से कहता है कि वो जाकर सो जाए, वो अपना हिसाब खत्म करके सो जाएगा। लच्छी जब अगली सुबह उठती है तो किशन जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपने पापा से वादा करता है कि वो अपने बिजनेस में बहुत प्रॉफिट करके आएगा। इसके बाद किशन चला जाता है और लच्छी उसके लिए रोने लगती है। तभी वहाँ पर गजरी आती है, जो लच्छी को समझाती है कि वो अपने आप को संभाले। एक्चुअली गजरी लच्छी की चाची है और उनका पति भी कई साल पहले उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। वो कहाँ गए हैं ये किसी को भी पता नहीं था। तो वहीं हम किशन को देखते हैं कि जो जाते हुए उसी जगह पर रुकता है जहाँ पर वो बारात लेकर आ रहे थे, तब रुके थे। वहाँ पर किशन को देखकर वो भूत काफी ज्यादा शौक था। वो अपने साथियों से बात करता है कि कल ही किशन की शादी हुई थी और आज ये कहाँ जा रहा है, इसलिए वो भूत एक इंसान का रूप ले लेता है और किशन से बात करता है। किशन उसे बताता है कि वो 5 सालों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और ये सुनने के बाद वो भूत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उसे पहले ही नजर में लच्छी से प्यार हो गया था, इसलिए वो अब किशन का रूप लेकर लच्छी के घर जाएगा। वो लोग उससे मना कर रहे थे, लेकिन भूत किशन का रूप ले लेता है और लच्छी के घर चला जाता है। वहाँ पर किशन के पापा किशन को वापस देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो किशन से पूछते हैं कि वो वापस क्यों आया, तो किशन कहता है कि जब वो जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़े गुरु मिले। उस गुरु की किशन बहुत सेवा की और गुरु उस पर खुश हो गए। तो गुरु ने किशन से कहा कि जब भी वह सुबह उठेगा उसे 5 सोने की असरफियाँ मिल जाएगी। ये सुनकर किशन के पापा बहुत खुश होते हैं। सभी घर वाले बहुत खुश थे कि किशन वापस घर आ गया, खासकर की लच्छी। लच्छी किशन से कहती है कि उसे अपने प्यार पर पूरा विश्वास था, जो किशन को उससे दूर नहीं रहने देगा। किशन ये सुनकर मुस्कुराता है और लच्छी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और चाहकर भी वो उससे दूर नहीं रह सकता है। किशन अपने जादू से लच्छी को बहुत सारे सरप्राइजेस देने लगता है, जिससे लच्छी और ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो दोनों करीब आने वाले थे तो किशन उसे रोक देता है। वो लच्छी से कहता है कि पहले वो अच्छे से चेक कर ले कि ये उसका हस्बैंड है या नहीं। तो लच्छी कहती है कि इसमें चेक क्या करना, ये तो किशन ही है। लेकिन तभी वो भूत कहता है कि ये किशन नहीं बल्कि एक भूत है, जो किशन का भूत लेकर यहाँ पर आया है। वो कहता है कि जब उसने लच्छी को पहली बार देखा था तो उसे लच्छी पसंद आ गई थी। वो उसे बताता है कि किले के पास उसने जिस पक्षी को देखा था वो वही है। और ये सुनकर लच्छी बहुत ज्यादा शौक थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो भूत लच्छी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से जा सकता है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। लेकिन लच्छी कहती है कि उसका हस्बैंड बिना पूछे यहाँ से चला गया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लच्छी क्या चाहती है। वो अपने पति को तो नहीं रोक पाई, लेकिन अब जो उसके पास है उसे तो वो रोक सकती है। इसलिए लच्छी भूत को रोक लेती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वहीं दूसरे दिन सुबह सुबह किशन के पापा उसके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें सोने की 5 अशर्फियां चाहिए थी। किशन उनसे कहता है कि वो अपने पापा को अशर्फियां देने आया था,
लेकिन वो सो रहे थे, इसलिए उन अशर्फियों को उनके पॉकेट में रख दिया। इसके बाद किशन के पापा जब पॉकेट चेक करते हैं तो उसमें 5 सोने की अशर्फियां थी। ये देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद किशन अपनी जादू की मदद से सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुश रख रहा था। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और सभी लोग किशन से बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं इधर असली किशन को देखते हैं जो परेशान हो रहा था क्योंकि 6 महीने हो गए थे लेकिन घर वालों की तरफ से कोई लेटर उसके लिए नहीं आया था। इसलिए वो घर वालों के लिए लेटर लिखता है और अपने एक साथी भुजा के हाथों लेटर भिजवा देता है। भुजा जब 15 दिनों का सफर करके किशन के घर आता है, यहाँ दूसरे किशन को देखता है। भुजा को लग रहा था कि ये वही किशन है जिसने ये लेटर भेजा है, इसलिए वो किशन से कहने लगता है कि उसने खुद को ये लेटर क्यों भेजा जब वो यहाँ आने ही वाला था, तो लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन भूत वाला किशन समझ जाता है कि ये लेटर असली किशन का है, इसलिए वो उस लेटर को जला देता है और भुजा को वहाँ से भगा देता है। भुजा जब वापस आता है तो वहाँ पर भी किशन था जो उसे पूछता है कि घर वाले क्या कह रहे थे। भुजा ये देख कर हैरान था, जब वो वहाँ गया था वहाँ पर भी किशन था। किशन भुजा से पूछता है कि उसके लेटर का क्या हुआ, जिस पर भुजा कहता है कि उसने लेटर किशन को ही दिया था। लेकिन किशन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उसे लगता है कि भुजा ने उसके पैसे खाए और लेटर घर वालों को दिया ही नहीं, जिसकी वजह से किशन और भुजा में लड़ाई हो जाती है। इधर किशन और लच्छी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन किशन के पापा के पास कुछ लोग आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस बार भी ऊंट की रेस होने वाली है और वो चाहते हैं कि किशन के घर वाले भी उसमें हिस्सा लें। लेकिन किशन के पापा कहते हैं कि 7 सालों से उन्हीं लोग ये रेस जीतते आ रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले उनका भाई उस रेस में हार गया था, जिसकी वजह से वो इतना शर्मिंदा हो गया कि घर छोड़कर चला गया। तब से किशन के पापा ने उस रेस में भाग लेना ही बंद कर दिया था। जब किशन को इस बारे में पता चलता है तब वो डिसाइड करता है कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा। सब लोग रेस देखने के लिए चले जाते हैं, तभी किशन देखता है कि दूसरे टीम वाले कुछ चीटिंग कर रहे थे, इसलिए किशन अपना मैजिक यूज करके अपनी ऊंट को सबसे तेज भगाता है जिससे वो लोग रेस जीत जाते हैं। लेकिन गांव वालों में एक चर्चा हो रही थी कि शायद रेस में कोई जादू टोना कर रहा था, इसलिए लच्छी किशन से बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किशन को किसी के बारे में भी सच पता चले। इसलिए वो किशन से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी ना करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि किशन उससे जुदा हो। तो किशन भी उससे वादा करता है कि वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। तो वहीं वो लोग ये रेस जीत गए थे और ये खबर जब सुंदरलाल को मिलती है तो वो घर वापस आ जाते हैं। एक्चुअली सुंदरलाल किशन के चाचा हैं जो काफी साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब वो रेस जीत गए थे इसलिए वो घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। तो वहीं हम असली किशन को देखते हैं जिसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो भुजा के पास जाता है और उसे लेटर देकर कहता है कि वो वापस उसके घर जाए, लेकिन भुजा इसके लिए मना कर रहा था। लेकिन किशन कहता है कि वो उसे डबल पैसे देगा, जिसके बाद भुजा मान जाता है। लेकिन भुजा की पत्नी मना कर देती है, वो किशन के लेटर को जला देती है क्योंकि पिछली बार किशन ने भुजा की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, इसलिए भुजा की पत्नी बहुत नाराज थी। तो वहीं हम भूत वाले किशन को देखते हैं जो गांव वालों का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसे गांव वाले भी किशन से बहुत खुश थे। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और लच्छू प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात सुनकर किशन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लच्छू और किशन दोनों ही चाहते हैं उन्हें एक लड़की हो और अपनी लड़की का नाम भी सोच लेते हैं। तो वहीं असली किशन को भी लच्छी की प्रेगनेंसी की बात पता चलती है, इसलिए वो सच जानने के लिए अपने घर वापस लौट कर आता है। तब वो देखता है कि सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन लोगों के पास तो पहले से ही किशन था और इस किशन को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। किशन उन्हें बताने लगता है कि वो असली किशन है। तो वहीं किशन के पापा को लग रहा था कि भूत वाला किशन ही असली किशन है क्योंकि वो रोज उन्हें 5 सोने की अशर्फियां देता है, लेकिन वो चाहकर भी इस बारे में सबके सामने नहीं बता सकते थे क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो 5 अशर्फियां मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन कोई भी ये पहचान नहीं कर पा रहा था कि असली किशन कौन है, जिस पर असली किशन कहता है कि वो हम दोनों से सवाल पूछे, जो सही जवाब देगा वही असली किशन होगा। जिसके बाद घर वाले सवाल पूछते हैं, लेकिन दोनों ही किशन सही जवाब दे देते हैं, जिससे घर वाले और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तभी लच्छी का डिलीवरी का टाइम आता है और उसे एक बेटी होती है, लेकिन लच्छी उदास थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा। तो वहीं घर वाले भी कंफ्यूज थे
कि असली कृष्ण कौन है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ये प्रॉब्लम लेकर राजा जी के पास जाएंगे और वहीं इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। इसलिए सब लोग मिलकर राजा जी के यहाँ जा रहे थे। तो वहाँ पर उन्हें एक गडरिया मिलता है। वो उनसे पूछता है कि सभी लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो सब लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, जिस पर गडरिया हंसता है और कहता है कि ये प्रॉब्लम तो वो एक मिनट में सॉल्व कर सकता है। जिसके बाद गडरिया दो जलते हुए कोयले को लेता है और कहता है कि जो भी उसे पकड़ेगा वही असली किशन होगा। जिसके बाद असली किशन कोयले को पकड़ लेता है। इसके बाद गडरिया किशन के पापा को कहता है कि यही उनका असली बेटा है। इसके बाद गडरिया का कहना था कि जो भी लच्छो का असली प्रेमी होगा वो इस थैली में आ जाएगा। और ये सुनने के बाद वो भूत थैली में आ जाता है, जिससे सबको क्लियर हो जाता है कि असली किशन कौन है। इसके बाद गडरिया थैली को पैक करके थैली को फेंक देता है ताकि वो भूत बाहर ना आ सके। सभी लोग असली किशन को लेकर वापस आ जाते हैं, लेकिन लच्छू उदास थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो और भूत वाला किशन जूता हो गया। इसलिए जब वो किशन के रूम में आती है तो वो उसे बताती है कि वो भूत वाले किशन से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। ये सुनने के बाद किशन जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे भूत वाला किशन हंसता था। ये देखकर लच्छू समझ जाती है कि ये भूत वाला किशन ही है। वो उसे गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि वो वापस कैसे आ गया। जिस पर किशन कहता है कि जब कटरिया ने कहा था कि जो भी लच्छो से असली में प्यार करता है वो इस थैली के अंदर आ जाए, तो भूत उसके अंदर चला गया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गया था, जिसके बाद वो असली किशन के शरीर में घुस गया। यानी कि ये किशन का शरीर तो असली है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो भूत की है। इस तरह वो हमेशा लच्छो के साथ रह सकता है। ये सुनकर लच्छो बहुत खुश होती है और किशन को गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।